दोस्तों, ये दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो लोग गिरने नहीं देते थे, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक आध बार भी सच्ची हकीकत बयान कर दी तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। अगर आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। बरसों से टूटे हुए रिश्ते भी दो मिनट में जुड़ जाते हैं, बस अगले को आपसे कोई काम होना चाहिए। माफ़ी मांगने से ये कभी साबित नहीं होता कि हम गलत और वो सही है। माफ़ी मांगने का असल मतलब ये है कि हम में रिश्ते निभाने की काबिलियत उससे ज़्यादा है। जिंदगी का अपना ही रंग है, दुख वाली रात सोया नहीं जाता और खुशी वाली रात सोने नहीं देती। वो शख्स जिंदगी में कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। जिंदगी में दो चीज कभी मत कीजिए, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। रास्ते पर कंकर ही कंकर हो तब भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन अगर एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकर हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना भी मुश्किल है। मतलब ये कि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। दोस्तों, अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। अपनी गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में तुम कभी देर मत करना, क्योंकि ये रास्ता जितना लंबा होता जाएगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत ही सुंदर जवाब, जो अपनों के बिना गुजरे वो उम्र, और जो अपनों के साथ गुजरे वो जिंदगी। लोहा नर्म होकर औजार बन जाता है, सोना नर्म होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नर्म होकर खेत बन जाती है, आटा नर्म होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह अगर इंसान भी नर्म हो जाए तो वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो उम्मीद धीरे से कहती है एक बार फिर प्रयास करो। वक्त की यारी तो हर कोई करता है मेरे दोस्त, मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर यार न बदले।